हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। दुनियाजाद ने मलिका शहरजाद से नई कहानी सुनाने को कहा और बादशाह शहरजाद ने भी अपने मौन स्वीकृति दे दी। तो शहरजाद ने नई कहानी शुरू कर दी। उसने कहा कि पुराने ज़माने में दमिश्क नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम अय्यूब था। उसके दो ही संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था गनीम और पुत्री का अलंकित। पुत्री अत्यंत रूपवती और गुणवंती थी और उसे जो भी देखता उस पर मुग्ध हो जाता। कुछ समय के बाद अय्यूब बीमार पड़ा और उस बीमारी से उबर न सका। गनीम अभी बिल्कुल नौजवान था। पिता का पूर्ण रूपेण अंतिम संस्कार करने के बाद उसने व्यापार वस्तुओं तथा संपत्ति को संभालना शुरू किया। उसने अपने पिता के गोदाम में जाकर देखा कि बहुत सी गांठें हैं जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में बगदाद लिखा है। उसकी समझ में कुछ न आया और उसने अपनी माँ से पूछा कि गठरियों और गांठों पर बगदाद क्यों लिखा है। माँ ने उत्तर दिया, बेटे तुम्हारे पिता का हर काम बड़ा व्यवस्थित होता था। जिस चीज़ को जहाँ जाकर बेचना चाहते थे उसकी गांठ पर उस स्थान का नाम लिख देते थे ताकि व्यापार यात्रा करते समय हर चीज़ को खोल कर देखने की ज़रूरत न पड़े और समय का अपव्यय या गड़बड़ी की संभावना न हो। जिन गांठों पर बगदाद लिखा है उन्हें वे बगदाद जाकर बेचना चाहते थे, किंतु इस व्यापार यात्रा पर जाने के पहले ही वे महायात्रा पर चले गए। बगदाद की यात्रा न हो सकी और बगदाद में बेची जाने वाली वस्तुएं यही धरी रह गई। यह कहकर वह अपने पति की याद में रोने लगी। गनीम ने उस समय माता की दशा देखकर कुछ कहना उचित न समझा, किंतु यह बात उसके मन में बैठी रही कि एक दिन उचित अवसर पाकर उसने माँ से कहा, पिताजी का छोड़ा हुआ काम मैं पूरा करूंगा। वे यह माल बगदाद नहीं ले जा सके, इसमें मैं वहां ले जाकर बेच दूंगा। उसकी माँ यह बात सुनकर बड़ी दुखी हुई और बोली, बेटा अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम इतनी लंबी यात्रा के योग्य नहीं हो। अभी तो मैं तुम्हारे पिता के रंज से ही उबर नहीं पाई हूँ, फिर तुम भी अपने बिछड़ों का दुख मुझे देना चाहते हो। तुम यात्रा का विचार दिल से निकाल दो। कम मुनाफे पर यह चीज़ें यही दमिश्क के व्यापारियों के हाथ बेच दो। इस लंबी यात्रा में तुम पर बड़ी मुसीबतें पड़ेगी। मुझे यह मंजूर है कि थोड़ी आय में जीवन यापन करे, तुम्हें किसी प्रकार का दुख हो यह मुझे मंजूर नहीं। किंतु गनीम पर अपनी माँ के समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी बात पर अड़ा रहा और कहने लगा कि मैं कब तक घर में घुसा रहूँगा, मुझे भी तो बाहर जाकर व्यापार करने का अनुभव होना चाहिए। उसकी बात गलत नहीं थी, माल काफ़ी था और उसके विक्रय से अच्छा मुनाफा होने की आशा थी। माँ उसे रोकती ही रह गई और वह रुपया लेकर दमिश्क के बाजार को चल दिया। वहाँ उसने अपना माल संभालने के लिए कुछ दास खरीदे और 100 ऊँट। उन्हीं दिनों 5-6 व्यापारियों का एक काफिला बगदाद को जा रहा था। गनीम ने अपना माल ऊँटों पर लदवाया और इस काफिले के साथ बगदाद शहर की ओर चल पड़ा। यात्रा लंबी थी, मार्ग में सभी लोग थक गए। कई दिन बाद दूर से बगदाद नगर दिखाई दिया। उसे देखकर सब लोग अपनी थकन भूल गए। दूसरे दिन काफिले ने विशाल नगर बगदाद में प्रवेश किया। वे सब लोग एक बड़ी सराय में उतरे। गनीम ने अपना माल उस सराय में उतार दिया, किंतु स्वयं उस भीड़भाड़ में नहीं रहना चाहता था। उसने एक अच्छा मकान किराए पर लिया जिसमें एक सुंदर बाग भी था। वह यात्रा में बहुत थक गया था, इसीलिए उसने कुछ दिन तक मकान में रहकर आराम किया। जब रास्ते की थकान बिल्कुल जाती रही तो उसने नए कपड़े पहने और वहाँ के व्यापारियों से मिलने के लिए उस जगह को चल दिया जहाँ वे लोग व्यापार की बातें करने के लिए एकत्र होते थे। वह अपने साथ अपने माल के नमूने भी 2 दासों के सिरों पर लदवा कर ले गया। व्यापारी उसके पिता को अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उन्होंने उसके लाए हुए कपड़ों के नमूने भी पसंद किए और उसका सारा माल खरीद लिया। गनीम को अप्रत्याशित लाभ हुआ। उसने अपना सारा दूसरा माल भी उसी दिन बेच दिया, सिर्फ एक गांठ बचा ली। दूसरे दिन अपने घर से निकलकर वह बाजार की सैर करने निकला तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी दुकानें बंद थीं। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि आज बाजार बंद क्यों है। उसे बताया गया कि अमुक व्यापारी, जो यहाँ के व्यापारियों में सबसे धनी था, आज सवेरे मर गया है। गनीम ने उचित समझा कि उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो। उसने पूरा विवरण पूछा तो लोगों ने उसे बताया कि फला मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, फिर जनाजा शहर से दूर दूर बड़े कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा।
गनीम ने अपने दासों को सराय में वापस भेज दिया और मस्जिद को चल दिया। वहां जाकर वह लोगों के साथ नमाज में सम्मिलित हुआ और फिर उसकी अर्थी के साथ कब्रिस्तान को चल दिया। कब्रिस्तान शहर से काफ़ी दूर था। वहां जाकर उसने देखा कि व्यापारी के लिए पहले से कब्र खुदी हुई है और कब्र को पक्का करने के लिए उत्तम प्रस्तर, शिलाएं और कब्र बनाने का सामान, राज मजदूर आदि सभी मौजूद हैं और कब्र के चारों ओर बहुत से खेमे खड़े किए गए हैं। वहां पहुंचकर व्यापारी लोग उन डेरों में जाकर कुरान का पाठ करने लगे। फिर जब लाश को कब्र में उतार कर कब्र को ढक दिया गया तो सभी व्यापारी आसपास जमा होकर फातिहा पढ़ने लगे और बहुत देर तक पढ़ते रहे, यहाँ तक कि रात पड़ने लगी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी देर क्यों लगाई जा रही है। उसके पूछने पर लोगों ने बताया कि जब कोई बड़ा आदमी मरता है और उसकी अर्थी के साथ बहुत से आदमी होते हैं तो उस रात को सब लोग कब्रिस्तान में ही ठहरते हैं। सब लोगों का यही खाना पीना होता है और सब लोग दूसरे दिन अपने अपने घरों को वापस जाते हैं। उसे यह भी मालूम हुआ कि रात को होने वाले मृतक संस्कार भोज में शामिल होना जरूरी है, यह वहाँ की रस्म है और सब लोग इस पर जोर देते हैं। अतएव गनीम को रात के भोज में शामिल होने के लिए रुकना पड़ा, किंतु वह थोड़ा बहुत खा पीकर वहाँ से चुपचाप शहर की ओर चल दिया। उसने सोचा कि घर खाली देखकर कहीं चोर घुसकर मेरा धन न लूट ले जाए, या ऐसा न हो कि मेरे दास ही बेईमानी करे और मेरा धन लेकर रफू चक्कर हो जाए। वह बगैर किसी को बताए आया था, इसीलिए किसी से रास्ता भी ठीक तरह नहीं पूछ सका था। वह दिन भर का थका था, चोरी के विचार से परेशान था और रास्तों से अच्छी तरह परिचित भी नहीं था। फलस्वरूप वह अंधेरे में बुरी तरह भटक गया और उसे किसी प्रकार वह मार्ग न मिला जिस पर चलकर वह घर पहुंचे। काफ़ी भटकने के बाद जब वह नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो आधी रात हो गई थी और द्वार बंद हो गया था। उसकी अनुनय विनय के बावजूद द्वारपालों ने फाटक नहीं खोला। उसे अफसोस होने लगा कि बेकार ही व्यापारियों का साथ छोड़कर शहर की ओर आया। अब वह रात बिताने के लिए शहर से बाहर कोई स्थान खोजने लगा। कुछ देर बाद उसे शहर के पास ही एक छोटा सा कब्रिस्तान दिखाई दिया। वह वहीं चला गया कि किसी कब्र पर लेट कर रात बिताए। वह उसके अंदर चला गया और एक जगह घास उगी हुई देखी तो वहीं पर लेट गया। वह सोना चाहता था, किंतु स्थान की भयानकता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। वह घबरा कर उठ खड़ा हुआ और कब्रिस्तान की दीवार के पास टहलने लगा। अचानक उसने देखा कि एक प्रकाश बिंदु उसकी ओर आ रहा है। वह प्रेत बाधा के डर से एक घने वृक्ष पर चढ़ गया और उसकी शाखाओं के बीच छुपकर बैठ गया। उसने देखा कि आने वाले तीन आदमी हैं जो राजमहल के सेवकों जैसे कपड़े पहने हैं। आगे का आदमी मशाल लिए आ रहा था और उसके पीछे दो व्यक्ति एक लंबा संदूक उठाए हुए ला रहे थे। एक जगह संदूक उतार कर संदूक ढोने वालों में से एक ने कहा, भाइयों मुझे तो बड़ा भय लग रहा है, यहाँ ठहरने को भी जी नहीं करता, मेरी मानो तो इस संदूक को यूं ही छोड़कर भाग चलो। आगे आने वालों ने, जो सेवकों का प्रधान मालूम होता था, उसे डांटा, क्या बकवास कर रहा है, क्या मालकिन ने स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी थी कि इस संदूक को कब्र में गाड़ कर आना, अगर उसे मालूम हुआ कि संदूक गाड़ा नहीं गया है तो वह हम लोगों की खाल खिंचवा देगी। फिर तीनों ने फावड़ा उठाया और संदूक को गाड़ने के लिए गड़ा खोदने लगे। उन्होंने इतना गहरा गड़ा शीघ्र ही खोद डाला जिसमें वह संदूक आसानी से समा जाए। संदूक को गड्ढे में उतार कर उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी पाट दी और फिर वापस चले गए। गनीम ने सोचा कि संभवतः संदूक में धन दौलत होगी जिसे सुरक्षित रखने के लिए किसी स्त्री ने कब्रिस्तान में गड़वा दिया है। आदमियों के जाने के बाद वह पेड़ से उतरा और उसने मिट्टी हटाकर संदूक को देखा। मिट्टी उसी समय पड़ी थी, इसीलिए उसे हटाने में तो दिक्कत न हुई, लेकिन संदूक भारी था, उसे न निकाल सका। उसने देखा कि संदूक में ताला भी लगा है। उसने दो पत्थर उठाए और उनकी मदद से ताला तोड़ दिया। जब उसने संदूक का ढक्कन उठाया तो देखा कि उसमें रुपये पैसे के बजाय एक सुंदर तरुणी लेटी हुई है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले वह समझा कि वह सो रही है क्योंकि उसकी सांस चल रही थी, किंतु फिर उसने सोचा कि अगर वह सो रही होती तो ताला टूटने की आवाज़ से जाग जाती, वह ज़रूर बेहोश होगी। उसने देखा कि उसके जेवरों में बहुमूल्य हीरे जड़े हैं। वह समझ गया कि यह खलीफा के महल की स्त्री होगी। उसके सौंदर्य ने उस पर जादू सा डाल दिया और वह यह भी न कर सका कि उसे छोड़कर यूं ही भाग जाए। उसने उस सुंदरी को संदूक से उठाया और बाहर घास पर लिटा दिया। हाँ, इसके पहले उसने जाकर कब्रिस्तान का द्वार बंद कर दिया जिसे सेवक खुला छोड़ गए थे। जब उस स्त्री को ठंडी हवा लगी तो उसके हाथ पांव हिलने लगे।
और कुछ देर में उसने थोड़ी थोड़ी आंखें खोली और क्षीण स्वर में आवाज़ देकर कहने लगी, अरे जोहरा, बोस्तान, शाह सफरा, अम्रकला, कासा बोस, नूरिन निहार, तुम सब की सब कहाँ मर गई? स्पष्ट था कि वह अपनी दासियों को आवाज़ दे रही थी और वे दासियाँ रात दिन उसकी सेवा में लगी रहने वाली थी। गनीम को खुशी हुई कि ऐसी अतीव सुंदरी को उसने कब्र में जिंदा ही मर जाने से बचा लिया। जब स्त्री ने देखा कि उसकी आवाज़ पर कोई नहीं आया तो उसने आंखें खोलकर देखा और घबरा कर चिल्ला उठी, क्या बात है, यहाँ इतनी कब्रें कैसी है? क्या कयामत आ गई है और मैं अपनी कब्र से उठी हूँ? लेकिन कयामत में तो दिन होता है, यह रात में कयामत कैसे आ गई? अब गनीम उसके सामने जाकर बोला, इत्मीनान रखिए, अभी कयामत नहीं आई है, मैं परदेसी हूँ। भगवान को आपके प्राणों की रक्षा करनी थी, इसीलिए कब्र खोदकर आपको निकालने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। अब बताइए आपकी क्या सेवा करूँ? स्त्री बोली, पहले यह बताइए कि मैं यहाँ कैसे पहुँची और कौन मुझे यहाँ लाया? गनीम ने सारी घटना कह सुनाई। वह स्त्री उठ बैठी और सिर ढक कर बोली, सच है कि भगवान ने मेरी प्राण रक्षा के लिए आपको यहाँ भेजा था, वरना तो मेरे मरने में संदेह ही नहीं था। अब आप ऐसा करें कि सवेरा होने से पहले मुझे उसी संदूक में बंद करें और सवेरे शहर जाकर किराए पर एक खच्चर लाए और उसकी पीठ पर मेरे समेत यह संदूक लाद कर अपने घर ले चले, फिर मैं आपको सारा किस्सा बताऊंगी। मैं आपके साथ पैदल भी चल सकती थी, किंतु इन वस्त्राभूषणों में मुझे शहर के लोग पहचान लेंगे और फिर मैं और आप दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। गनीम ने संदूक बाहर निकाल कर उसकी मिट्टी वगैरह साफ की और उसे गड्ढे में रखा। सुंदरी उसमें लेटी रही। गनीम ने संदूक का ढकना इस तरह बंद किया कि उसमें हवा आती जाती रहे। सुबह होने पर गनीम शहर गया और खच्चर वाले से उसका खच्चर किराए पर मांगा। खच्चर वाले के पूछने पर उसने कहा, कल मैं अपने माल का संदूक लेकर एक खच्चर पर लदवा कर बाहर जा रहा था, किंतु उस खच्चर वाले को कोई और अच्छी कीमत देने मिल गया और वह मेरा संदूक कब्रिस्तान में पटक कर चल दिया। अब मैं वह अपने घर लाना चाहता हूँ। खच्चर वाला उसके साथ कब्रिस्तान आया और संदूक खच्चर पर रखकर गनीम के घर पहुँचा दिया। घर आकर गनीम ने अपने एक गुलाम से दरवाज़ा बंद करने को कहा, फिर संदूक से उस युवती को निकाला और उसका हाल पूछा कि कैसी तबीयत है। उसने उत्तर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर गनीम एक गुलाम को लेकर घर से निकला और बाजार में जाकर अपने हाथ से उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ तथा बादशाहों के पीने योग्य मदिरा खरीदी। इसके अलावा अच्छे फल, मिठाइयाँ आदि भी खरीदी। घर आकर सारी खाद्य सामग्री थालियों में सजाकर उस सुंदरी के पास ले गया, किंतु उसने कहा कि मैं अकेले नहीं खाऊंगी, तुम भी साथ में बैठकर खाओ। गनीम विवश होकर उसके पास बैठ गया। खाने के पहले उस सुंदरी ने अपने चेहरे से नकाब उतारा और एक तरफ रख दिया। गनीम की नज़र उस पर पड़ी तो वह चौंक उठा। उसमें अंदर की तरफ रेशमी धागे से कड़ा हुआ था, मैं खलीफा हारून रशीद की प्रेसी हूँ और वह मेरा है। गनीम यह देखकर बहुत घबराया कि यह मुसीबत को मैं अपने घर ले आया। उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, सुंदरी, अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि कौन हो और कैसे कब्रिस्तान में पहुंची? उसने कहा, मेरा नाम फितना है, मैं खलीफा हारून रशीद की प्रेसी हूँ। मैं अपने बचपन ही से दासी के रूप में खलीफा के महल में आ गई थी। मुझे वहाँ अच्छी शिक्षा मिली और कुछ दिनों ही में मैं सारी कलाओं और विद्याओं में निपुण हो गई। खलीफा ने मेरे उभरते रूप और गुणों को देखा तो मुझसे प्यार करने लगा। उसने एक बड़ा मकान मेरे लिए बनवा दिया और 20 दास दासियां मेरी सेवा के लिए नियुक्त किए। उसने मुझे इतना धन दिया कि मैं शहजादियों जैसी शान शौकत से रहने लगी। खलीफा की विवाहिता रानी जुबैदा है, वह मेरे प्रति खलीफा के बड़े हुए प्रेम को देखकर जलने लगी। उसने इरादा कर लिया कि किसी तरह मुझे मरवा दे। मैं होशियार रहती थी, इसीलिए मलिका जुबैदा की कोई चाल न चल सकी। इधर की तरफ खलीफा को किसी शत्रु से निपटने के लिए काफ़ी दिन के लिए बाहर जाना था। जुबैदा ने उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाया। उसने मेरी एक दासी को भारी इनाम देकर तोड़ दिया। उस नमक हराम दासी ने कल रात को शरबत में मुझे बेहोशी की दवा दे दी। जब मैं बेहोश हो गई तो उसने मुझे इस ताबूत में बंद कर दिया। रानी के सेवक आकर मुझे ले गए और जीते जी ही कब्र में गाड़ आए। किंतु भगवान को मंजूर था कि मुझे अभी जीवित रखे, इसीलिए उसने तुम्हें उस कब्रिस्तान में पहले ही से पहुँचा दिया। तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं अपनी मौत का सामान कर लिया। कोई चमत्कार ही हो तो तुम बच सकोगे। गनीम यह सुनकर और घबराया
और पूछने लगा कि मुझे किस अपराध पर मारा जाएगा। फितना बोली, अगर जुबैदा को मालूम होगा कि तुमने मुझे बचाया है तो वह तुम्हें और मुझे दोनों को मरवा डालेगी। अगर उसे न मालूम हुआ तो खलीफा युद्ध से वापस आने पर मेरी कब्र पर जाएगा और वहाँ मेरा ताबूत न पाकर सारे नगर बल्कि देश देशांतर में मेरी खोज करवाएगा। जब उसे मालूम होगा कि तुमने मुझे अपने मकान में रखा है तब वह तुम्हें मरवा देगा। गनीम ने कहा, मतलब यह कि मैं किसी तरह बच नहीं सकता। फितना ने कहा, इतना निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। जब तक घर के लोग ही भेद न दे कोई किसी और का हाल कैसे जान सकेगा। गनीम ने कहा, यहाँ तो कोई भेद देने वाला नहीं है। पहले तो मेरे दासों की किसी से जान पहचान भी नहीं है कि उस पर तुम्हारा भेद प्रकट करे। फिर सभी लोग जानते हैं कि धनवान अविवाहित पुरुष अपने पास रखेले रखते हैं। तुम्हें भी यह लोग यही समझेंगे। इतना इत्मीनान होने के बावजूद गनीम इस बात का ध्यान रखता कि उसके अपने दास फितना के सामने जहाँ तक हो सके न जाए। उपर्युक्त बातचीत के बाद एक दास ने दरवाज़ा खटखटाया तो गनीम स्वयं बाहर आया। दास उसकी आज्ञानुसार बाजार से भोजन सामग्री लाया था। गनीम ने सारी चीज़ें उसके हाथ से खुद लेकर फितना के सामने रखी। उससे कहा, तुम यहाँ खाओ पियो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वो बाजार गया और फितना के लिए दो दासियाँ और उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण ले आया। फितना इन्हें पाकर बहुत खुश हुई और बोली, वाह मेरे मालिक, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। गनीम ने कहा, मेरे लिए ऐसा संबोधन न करो, मैं इतने सम्मान के योग्य नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे सेवक जैसा हूँ। फितना बोली, यह आप क्या कहते हैं, मैं तो आपको मालिक से भी बढ़कर कुछ कहूँ तो उचित होगा। आपने भयंकर मृत्यु से मेरी रक्षा की है, मैं कितना कुछ भी करूँ सारे जीवन आपका एहसान नहीं उतार सकती। मेरी दशा में यह कैसे संभव है कि मैं आपको अपने दास जैसा समझूं? गनीम यह सुनकर मुस्कुरा कर रह गया। गनीम और फितना दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, फिर भी दोनों को मालूम था कि मर्यादा के बंधन उनका शारीरिक संबंध न होने देंगे। कारण यह था कि फितना खलीफा की संपत्ति थी और बादशाह की संपत्ति का उपयोग कोई प्रजाजन नहीं कर सकता। शाम होने पर गनीम ने घर के अंदर दिए जलवाए और भूमि पर स्वच्छ चादरें बिछाकर उस पर बढ़िया शराब और फल लाकर रखे। बगदाद वासियों की साधारण रीति यह थी कि दिन में रोटी मांस आदि ठोस पदार्थ खाते थे और रात को केवल फल खाते थे और शराब पीते थे। जब दोनों ने दो दो तीन तीन पात्र मदिरा के पी लिए तो इन्हें नशा चढ़ने लगा और इन्होंने मस्ती में गाना शुरू कर दिया। पहले गनीम ने सद रचित श्रृंगारिक गीत सुनाए, फिर फितना ने भी इसी प्रकार सदरचित गीत सुनाए। काफ़ी देर तक वे एक दूसरे के बाद इसी तरह गाते रहे। जब काफ़ी रात बीत गई तो गनीम फितना को एक कमरे में सुलाकर स्वयं दूसरी जगह जाकर सो रहा। अब उन दोनों की दिनचर्या यही हो गई थी। वे दिन भर एक दूसरे के साथ रहकर आनंदित होते थे और रात को अलग अलग जाकर सोए रहते थे। इसी प्रकार उनके दिन बीतने लगे। गनीम ने इतना प्रबंध करके समझ लिया कि वे दोनों सुरक्षित है। वे दोनों एक दूसरे की प्रीति में डूबे रहे और अपनी अनुभवहीनता से यह भी न सोच सके कि उन्हें वेश बदल कर बगदाद छोड़ देना चाहिए। वैसे तो बगदाद में किसी को नहीं मालूम था कि खलीफा की प्रेयसी फितना कहाँ गई। फिर भी रानी जुबैदा परेशान रहती थी कि अगर किसी तरह फितना की खोज शुरू हुई तो वह स्वयं खलीफा के संदेह से किस प्रकार बच सकेगी। बहुत सोच विचार कर उसने एक बूढ़ी दासी को बुलाया। इस दासी ने जुबैदा को बचपन में गोद में खिलाया था। वह दासी से बोली, अम्मा तुम्हें मालूम है कि जब मैं किसी कठिनाई में फंसती हूँ तब तुम्ही से सहायता लेती हूँ। तुम मेरा कष्ट सुनकर ठंडे दिमाग से उस पर विचार करती हो। तुम्हारी जैसी चतुर स्त्री मैंने कोई नहीं देखी और तुम्हारे पास अत्यंत प्रत्येक संकट से उबरने का उपाय है। इस समय मुझे एक ऐसी चिंता लगी है जिससे मेरी नींद हराम हो गई है। बुढ़िया ने पूछा, बेटी ऐसी क्या बात है? जुबैदा ने उसे पूरा किस्सा बताया। मैंने फितना को बेहोशी की दवा दिलवाकर कुछ आदमियों के द्वारा एक छोटे कब्रिस्तान में जिंदा गड़वा दिया है। अब इस बात पर कैसे पर्दा डालूं? उसे वीरान कब्रिस्तान में गड़वाया ही इसीलिए है कि उसका पता किसी को न चल सके। किंतु खलीफा उसे बहुत प्यार करता है और युद्ध से लौटकर उसकी खोज जरूर करवाएगा, और अगर भेद खुल गया तो मुझे अपनी प्रतिष्ठा बचाना कठिन हो जाएगा। बुढ़िया बड़ी खुर्राट थी। उसने कहा, बेटी तुम बिल्कुल चिंता न करो, यह कौन बड़ी बात है। मैं ऐसी तरकीब बताऊंगी कि किसी को इस मामले में तनिक भी संदेह न हो सकेगा। खलीफा तुम पर कोई संदेह नहीं करेंगे। जुबैदा ने कहा, अम्मा ऐसा क्या उपाय हो सकता है? बुढ़िया बोली, बताती हूँ। तुम कारीगर से एक बड़ा सा लकड़ी का पुतला बनवाओ,
उसकी ऊंचाई औरतों जैसी होनी चाहिए। मैं उस पर पुराने कपड़े लपेट दूंगी, फिर एक ताबूत मंगवा कर उसमें वही पुतला रख देना और तुरंत ही शाही कब्रिस्तान में गड़वा देना। इतना ही नहीं, कब्र के ऊपर एक आलीशान मकबरा भी बनवा देना और उस मकबरे में फितना का एक बड़ा सा चित्र टंगवा देना। कब्र पर रोज बहुत ही दिए जलवाया करना। कभी कभी तुम और तुम्हारी दासियां काले कपड़े पहनकर मकबरे पर जाया करें और वहां जाकर फितना के लिए मातम किया करें। फितना की अपनी दासियों तो रोजाना काले कपड़े पहनकर फितना के लिए मातम करने को, उसके मकबरे पर काले कपड़े पहनकर जाया ही करेगी। खलीफा जिस दिन आने को हो उस दिन तुम विशेष रूप से मातम करने के लिए जाना। खलीफा यह देखकर तुमसे ज़रूर पूछेंगे कि काले कपड़े क्यों पहने। तुम कहना कि तुम्हारी प्रेयसी और मेरी प्यारी सखी फितना का निधन हो गया है, उसी के मातम में मैंने यह कपड़े पहने हैं। यह सुनकर खलीफा को बहुत दुख होगा, किंतु वह रो पीट कर बैठ जाएगा। जुबैदा ने कहा, अगर कहीं खलीफा ने फितना की कब्र खुदवा कर उसका अंतिम दर्शन करना चाहा तब तो भेद खुल ही जाएगा और मैं झूठी पड़ जाऊंगी। बुढ़िया ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे इस्लाम धर्म के अनुसार कोई कब्र खुलवाई नहीं जा सकती। फिर फितना खलीफा की कितनी ही प्यारी क्यों न हो, थी तो उसकी दासी ही। दासी के लिए कौन बादशाह इतना झंझट करता है कि धार्मिक नियमों का भी उल्लंघन कर दे। अब तुम पुतला जल्दी बनवाओ, बल्कि तुम भी यह झंझट न करो। मैं स्वयं एक अच्छे और विश्वस्त कारीगर को जानती हूँ, वह तुरंत ही इस काम को कर देगा।